चलिए स्टार्ट करते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर लास्ट पेपर बिल्कुल रेगुलर जैसा आ गया है और तो आप अगर करवा देते तो शायद हमारा अच्छा आ जाता तो कॉरपोरेट में मैं सच्चाई बताऊं तो मैंने पहले भी कहा कि सिलेबस ही इतना सारा है कॉरपोरेट के अंदर कि एक एक चैप्टर के लिए कम से कम ना डेढ़ डेढ़ महीने चाहिए होते हैं लेकिन उसको भी जल्दी जल्दी करा के जो हुआ एनी उसको पीछे छोड़ते हैं अब कॉस्टिंग का पेपर मैं करवा तो जरूर रहा हूँ लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि बिल्कुल इसके भरोसे हंड्रेड परसेंट मत जाना कि बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉरपोरेट का बिल्कुल सेम आया तो हम एक काम करते हैं कॉस्टिंग का भी यही कर लेंगे बस डिजिटी चेंज होना है वो समझ लेंगे हो जाएगा वो मत करना आप जैसे आपकी तैयारी चल रही है देखो ये भी आपका हो रहा है और जो तैयारी आपकी चल रही है वैसे करते रहना क्योंकि आप ई e कॉमर्स का ले लो ई e कॉमर्स का सेम नहीं आया था बिल्कुल अलग आ गया था डिफरेंट आ गया था ई कॉमर्स का तो हम कुछ भी नहीं कह सकते तो रिस्क लेने वाली बात है वो पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के अंदर थ्योरी है ए पार्ट के अंदर जो और में होता है तो और में एक प्रैक्टिकल है तो मैं यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल डिस्कस करूँगा और सिर्फ और प्रैक्टिकल दस नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और 10 नंबर में क्या कहता है द फॉलोइंग गिवन आपको कुछ डेटा गिवन है अवेलेबल और डेटा के साथ साथ पीछे कहता है कि प्रिपेयर कॉस्ट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सबसे पहले हम क्या बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग शीट और सी मैं क्या पाँच मिनट आप लोगों का टाइम ले लेता हूँ रिविजन के लिए ताकि आपका क्विकली सारा का सारा रिवाइज हो जाए है ना पाँच मिनट लगेंगे तो उसमें रिवीजन भी हो जाएगा और पेपर भी सॉल्व हो जाएगा दोनों काम हो जाएगा सर सबसे पहले कॉस्ट शीट का रिवीजन बताओ कॉस्ट शीट में क्या है मेमोराइज करने के लिए बता रहा हूँ शीट में सर कुछ हेडिंग्स हैं सर क्या क्या हेडिंग्स होते हैं कॉस्ट शीट में सबसे पहला हेडिंग आता है प्राइम कॉस्ट सर प्राइम कॉस्ट में क्या होता है प्राइम कॉस्ट से पहले क्या चीज़ें डलती है? आपका मटेरियल डल जाता है मटेरियल के साथ साथ क्या होता है वेजिस होता है वेजिस में रहता है कि वो आपका वेजिस आगे भी आ सकता है तो वेजेस और उसके साथ साथ क्या होगा हमारा वेजेस के साथ साथ देखा जाए तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल का ये रहता है हेडिंग एडिंग बता दो आप प्राइम कॉस्ट के बाद क्या होता है हमारा हमारा प्राइम कॉस्ट के बाद होता है इसका एक और नाम है इस प्राइम कॉस्ट का कौन बच्चा बताएगा कमेंट में बताइए प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है एग्जामर दूसरा नाम पूछ सकता है बताइए अगर किसी को याद है तो प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम बताइए किसी को मैं देखता हूं किसको याद है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक जवाब रिचा जैन का है और कोई डायरेक्ट कॉस्ट बिल्कुल ठीक यानी आप लोगों ने तैयारी कर ली है इसका मतलब तो इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं तो ध्यान रहे एग्जाम में डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकता है इसके बाद क्या आता है हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का एक और नाम है जल्दी बताइए फटाफट कमेंट में ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का क्या नाम है निक्की ने भी, तो ने भी सही जवाब दिया था ग्रॉस के बिल्कुल सही वर्क कॉस्ट इसको हम क्या बोलते हैं वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं और इनफैक्ट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बीच में अगर आपका डब्ल्यू है तो आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट तो इसको हम बोल देते हैं वर्क कॉस्ट ठीक है ना अगर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट दोनों हो तो वर्क कॉस्ट किसको बोलोगे आप नेट को बोलोगे ठीक है <workitenın> इसके बाद हमारा क्या आता है कुछ एडमिन का खर्चे एडलस्ट करते हैं यहाँ पे आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमारा क्या आता है आगे देखा जाए तो और करते हैं तो सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इसके बाद आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल और फाइनली लास्ट में क्या निकल जाता है सेल तो अगर आपको ये स्टेप्स याद है तो मैं ये स्टेप्स यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए और इसके साथ साथ डिस्कस भी करेंगे ठीक है तो सर पहला आपने बताया कि क्या होना चाहिए प्राइम कॉस्ट पहला क्या बताया प्राइम कॉस्ट दूसरा क्या होगा प्राइम कॉस्ट मिटा देते हैं सर प्राइम कॉस्ट से ऊपर क्या होगा सर प्राइम कॉस्ट से ऊपर सारे खर्चे होंगे डायरेक्ट वाले इसके बाद क्या आएगा इसके बाद आएगा ग्रॉस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट सर इसके बीच में क्या फ़ासला होता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में यहाँ पे क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो कि आते हैं और कुछ नए वर्ड्स जो कि आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या आ सकता है यहाँ पे आ सकता है वेजेस लेकिन वेजेस तो सर यहाँ भी आता है और यहाँ भी आएगा क्या वेजेस दो होते हैं एक प्रोडक्टिव होता है एक अनप्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव यहाँ आ जाता है और यहाँ पर एक हेडिंग और डालते हैं हम कौन सा फैक्ट्री ओवर तो वेजेस यहाँ भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है लेकिन अनप्रोडक्टिव है तो यहाँ प्रोडक्टिव है तो यहाँ अनप्रोडक्टिव वेजिस प्रोडक्टिव वेजिस का पता कैसे करें यह क्वेश्चन बोलेगा नहीं बोलता तो आप डायरेक्ट मान के चलिए और इसके लिए नोट दे दीजिए सेपरेटली तो बहुत बेहतर रहेगा सर इसके बाद इसके अंदर क्या खर्चा आता है कुछ खर्चे मैं बता देता हूँ जैसे एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस यहाँ पे आएगा गोडाउन रेंट यहाँ पे आएगा इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस यहाँ पे आएगा कुछ ये नए खर्चे बता रहा हूँ जो कि रिपीट हो सकता है उसके अंदर तो ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड है यहाँ एक और बहुत मेन पॉइंट बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं स्क्रैप सोल्ड करते हैं तो स्क्रैप सोल्ड करते हैं तो हम पता है क्या करते हैं आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है या तो आप यहां से माइनस करिएगा या फिर यहां से माइनस करिएगा अगर स्क्रैप को सोल्ड आउट किया जाएगा तो सिंपल सी बात है ग्रॉस के बाद क्या आएगा सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट इसके बीच में क्या फासला है डब्लू तो चलिए ग्रॉस भी कर लिया नेट भी देख लिया इसके बीच में सिर्फ डब्लू होता है ओपनिंग और क्लोजिंग क्लोजिंग माइन आपका माइनस हो जाता है ओपनिंग प्लस रहता है इसके बाद क्या आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बीच में कौन है सर इसके बीच में एडमिन है एडमिन का मतलब क्या ऑफिस के खर्चे एडमिन का मतलब क्या ऑफिस के खर्चे ठीक है सर ये भी हो गया अब इसके बीच के में कौन फासले में रहेगा इसके बीच में कौन रहने वाला है इसके बीच में रहेगा हमारा क्या ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस हो जाता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कौन से वाला फिनिश वाला फिनिश गुड्स वाला तो हमारा हेडिंग आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके बाद क्या आता है नीचे सर इसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सर यहां पे एक कंफ्यूजन है सुनिएगा ध्यान से एक होता है कैरिज इनवर्ड एक होता है कैरिज आउटवर्ड कैरिज इनवर्ड तो यहाँ का पार्ट होता है कैरिज आउटवर्ड यहाँ का पार्ट होता है इसी के साथ बोला जाता है कमीशन ऑन सेल्स यहीं का पार्ट है डिलीवरी वे एंड एक्सपेंस यहीं का पार्ट है यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जितने भी रिलेटेड एक्सपेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा कैरिज में कन्फ्यूजन हो सकता है कैरिज इनवर्ड और आउटवर्ड ध्यान रखिएगा ठीक है इसके बाद फाइनली हम और अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल जैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल आता है तो इसके बाद हम लिखते हैं सेल और बीच का डिफरेंस क्या आ जाता है हमारा सिंपली प्रॉफिट आ जाता है तो कॉस्ट शीट के अंदर ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें कहाँ जाता है पी एंड एल ट्रेडिंग रिकन्सलेशन के केस में बनाना पड़ भी सकता है और डायरेक्टली भी कर सकते हैं ठीक है ना तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर वन के अंदर कॉस्ट शीट हमारा थोड़ा सा रिवाइज हो गया कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लूंगा मैं जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल प्रॉफिट एंड कॉस्ट के बारे में एंड ऑल क्वेश्चन सबसे पहले जब आए ना ऐसा तो मैं आपसे एक सिंपल सी क्वेश्चन आप अपने मन से पूछना कि सर अगर पी एंड एल बोले और कॉस्ट शीट बोले तो आपको सबसे आसान कौन सा लगेगा तो जब आएगा पी एल तो पहले हमेशा पी एंड एल तैयार कर लो तो बेहतर रहेगा पी एल की बात करें सबसे पहले सेल्स दे रखा है बाय सेल्स और हमेशा याद रखना कि सेल्स पी एंड एल का जो होता है पच्चीस हजार यूनिट है और कितने का है सिक्सटी फाइव लैख का है तो हमेशा इसका सेल्स और इसका सेल्स हमेशा बराबर रहेगा ये कभी चेंजेस नहीं होता इस बात का ध्यान रखिएगा सेल्स सेल्स कितने का आ गया सिक्सटी फाइव लैख का ये कभी चेंज नहीं होता आगे क्या कहता है मटेरियल मटेरियल यहां आ जाएगा परचेज होता है यहां पे तो मटेरियल सर मटेरियल कितने का है मटेरियल पच्चीस लाख का है मटेरियल के बाद क्या है वेजेस सर आपने ट्रेडिंग पीएंडल मैंने लिख दिया है हालांकि वेजेस ट्रेडिंग में जाता है तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इग्नोर करिए अब आज के टाइम पे ना सब कुछ एक ही में हम बस एक प्रॉफिट निकालने का पर्पस लेते हैं तो हमारा क्या है हमारा वेजेस हम यहीं डालेंगे वेजेस को वेजेस कितने का है जी पंद्रह लाख का है वेजेस के बाद फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री ओवर, ओवर यहीं पर आएगा और कितने का है जी दस लाख का है चलिए पीछे चलते हैं ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है छोटे छोटे से क्वेश्चन है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड यहीं पे आएगा खर्चा ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस कितने रुपए का खर्चा है जी 5.5 पॉइंट का इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं बताता जा रहा हूं लेकिन तीन लाख क्लोजिंग स्टॉक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक कौन सा स्टूडेंट बताएगा क्लोजिंग स्टॉक को रिकन्सलेशन में किसके तरीके से ट्रीट करते हैं एक्सपेंस की तरीके से करते हैं या फिर इनकम की तरीके से करते हैं बताइए आप सबने देखो अब तक तो रिवाइज़ किया होगा तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक को इनकम की तरीके से ट्रीट करते हैं या किसके तरीके से निक्की का जवाब आ गया सभी बच्चों का जवाब आ गया कि हाँ जी सर इनकम के तरीके से करते हैं वेरी गुड इनकम के तरीके से करते हैं ट्रीट ठीक है आगे बढ़ते गए बढ़ते गए इसके बाद आता है गुडविल जी गुडविल यहां पे आएगा कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है सर गुडविल तो यहां नहीं आता गुडविल जब राइट ऑफ होता है ना तो पी एंड एल का ही पार्ट होता है देखो यहां पे डब्ल्यू स्लैश ओ डब्ल्यू स्लैश ओ, ओ का मतलब है यहां पे राइट ऑफ तो राइट ऑफ कर दिया इसने कितने का थ्री पॉइंट थ्री लैख इसके बाद इनकम टैक्स भी यहीं पर आ जाएगा इनकम टैक्स कितने का है जी ये फिफ्टी थाउजेंड सर ये हमारा पी एंड एल का सारा आइटम बन के हो गया तैयार अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि कुछ माइनर सा चेंजेस है कॉस्ट शीट को बनाते हुए आगे कहता है कॉस्ट अकाउंट आपका मैनुअल स्टेटेड दैट फैक्ट्री ओवर द लेबर तो कहता है माइनर सा कुछ बदलाव हुआ है कॉस्ट शीट के अंदर तो कॉस्ट शीट के अंदर क्या बदलाव हुआ है पहला कॉस्ट शीट के अंदर जो आपका ओवरहेड है फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 100% ऑफ लेबर है तो सर लेबर कितना है हमारा लेबर का मतलब ही है ध्यान दीजिएगा पंद्रह लाख तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये पंद्रह लाख रुपए हंड्रेड परसेंट आगे कहता है एडमिन ओवर है टेन परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट टेन परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट तो किसका टेन परसेंट बोल रहा है वो इसका टेन परसेंट तो यहां तक पहुंचेंगे तो निकाल लेंगे कहता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है टेन पर यूनिट बेचा जाएगा टेन पर यूनिट बेचेंगे तो ठीक है सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट अगर निकाले तो बेचा कितने यूनिट है पच्चीस हजार तो जितने यूनिट आप बेचोगे ना उसके हिसाब से इंटू में टेन तो ये आ जाएगा जी पच्चीस हजार रुपये कॉस्ट शीट के अंदर बस और कुछ नहीं बोला एक रह गया दस परसेंट तो सिंपली जो चीज़ें हैं उसको वैसे ही लिख देते हैं मटीरियल मटीरियल कितने का है सर सर पच्चीस लाख सर वेजेस कुछ बात बताए नहीं तो मैं यहाँ वेजेस डाल रहा हूँ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये वेजेस तो कहाँ जाएगा बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं स्टूडेंट तो मैं बता दूँ वेजेस आपका जा सकता है यहाँ भी और यहाँ भी मैंने यहाँ पे ले लिया क्यों लिया सर यहाँ पे अजमशन है कि डायरेक्ट ही होगा तो कितने हो गए फोर्टी लैख इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा फिफ्टी फाइव अब बात करते हैं हम फैक्ट्री ओवर इसके बीच में हालांकि होता क्या है प्लस ओपनिंग डब्ल्यू माइनस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी तो क्वेश्चन में क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी हमें गिवन है ओपनिंग डब्ल्यू आई पी नहीं गिवन शायद मैं यहां पे लिखना भूल गया क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी वन फोर्टी तो बाय क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी वन फोर्टी तो देखो डब्ल्यू आई पी में कोई समस्या नहीं है चैलेंज आता है क्लोजिंग स्टॉक में तो वन फोर्टी डाल दिया हमने यहां तो जैसे ही ये माइनस का हो जाएगा है ना जैसे ही माइनस का वन लाख फोर्टी थाउजेंड डाला मैंने पचपन लाख पचपन लाख माइनस वन लैख फोर्टी थाउजेंड तो जी ये आ गया फिफ्टी थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अब एडमिन एक्सपेंस क्या कहता है कहता है वर्क कॉस्ट का टेन परसेंट है तो इसी को तो वर्क कॉस्ट कहते हैं अभी बताया ना इसी को तो इसका टेन परसेंट निकाल लेते हैं तो ये आ गया हमारा फाइव थ्री सिक्स डबल जीरो अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाता है ये आ गया फाइव एट नाइन सिक्स डबल जीरो चैलेंज और क्लोजिंग स्टॉक काफी बच्चों की क्वेरी भी आई थी यहां पे ओपनिंग स्टॉक है नहीं टेंशन खत्म क्लोजिंग स्टॉक सर क्लोजिंग स्टॉक का यहां वैल्यू तो गिवन है तो यहां पे वही लिख दो ना हमेशा याद रखना कॉस्ट शीट और पी एल में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा डिफर करेगा यहां का क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है सर कुछ बातों का ध्यान रखिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना होता है फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यूनिट के ऊपर काम करूंगा उसके बाद मैं लेके चलूंगा आपका सबसे पहले लिखूं मैं अगर यूनिट सोल्ड इक्वल टू यूनिट कितने बेचे तो फार्मूला होता है प्रोडक्शन कितने किए आपने या कह लेते हैं प्लस ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक का यूनिट यू लगा रहा हूं ठीक है प्लस आपका प्रोडक्शन का यूनिट प्रोडक्शन का यूनिट माइनस क्लोजिंग का यूनिट ये रहता है फार्मूला इसी फार्मूले को रखिए और इसी में सॉल्व करिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिसको समझ में आ गया यूनिट सोल्ड कितना है सर यूनिट सोल्ड है बारह पच्चीस हजार यूनिट सोल्ड कितने का है पच्चीस हजार ओपनिंग स्टॉक नहीं पता जीरो प्रोडक्शन पता है क्या यस प्रोडक्शन तो हमें पता है लेकिन हमें यह नहीं पता कि प्रोडक्शन कितने यूनिट करा है हमने प्रोडक्शन तो का वैल्यू पता है पर यूनिट नहीं करा तो इसको हम मान लेते हैं कितने छब्बीस हजार छब्बीस हजार दो सौ प्रोडक्शन यूनिट आया छब्बीस दो सो तो सिंपल सी बात है हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है ना तो आपने तो इतने सारे टॉपिक कर लिए रिविजनरी क्लास मान लो कुछ भी मान लो तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है हमेशा नए वाले माल में से बचता है तो ये माल बना है इसी में से बचेगा तो हम निकाल लेते हैं कि ये माल बना है तो एक यूनिट का खर्चा क्या है एक यूनिट का खर्चा क्या है तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका होता है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो डिवाइडेड बाय आपका प्रोडक्शन यूनिट तो सर प्रोडक्शन कॉस्ट तो यहाँ पे आपने बता दिया फिफ्टी ना फिफ्टी एट सिक्स थाउजेंड शायद वहाँ एक ज़ीरो कम लग गया फिफ्टी एट सिक्स थाउजेंड एक ज़ीरो और लगेगा डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट सर प्रोडक्शन यूनिट क्या है प्रोडक्शन यूनिट है हमारा यहाँ निकाला ना हमने टू सिक्स एक्स की वैल्यू वही तो निकली टू सिक्स टू डबल ज़ीरो तो एक यूनिट का रेट निकाल लेते हैं छब्बीस दो सौ और कॉस्ट सीट में यही पॉइंट है जो आपको परेशान करेगा फिफ्टी एट नाइन सिक्स नाइन सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स टू डबल जीरो तो दो सौ पच्चीस रुपए दो सौ पच्चीस मल्टीप्लाई आजकल क्या हो गया तो 225 समथिंग पॉइंट आया पॉइंट को मैंने इग्नोर कर दिया ठीक है तो सर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या निकाल पाओगे हाँ बिल्कुल निकाल पाएंगे 1200 सो इंटू में दो यूनिट तो ये जवाब आया सर 270 आ गया ये तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर 270 उनको क्लियर हो गया होगा माइनस फिफ्टी एट सिक्स कुछ बच्चों का कहना है सर YouTube पे भी क्लासेस डल रही है यहाँ भी डल रही है हमारा खरीदने का क्या फ़ायदा है तो फ़ायदा यही है आप देखो लाइव में पूछ भी रहे हो लाइव में सारी चीज़ें मेजर डिफरेंसेस यही है आपको प्रायोरिटी दी जाती है और वहाँ पे थोड़ा डिले डलता है डिले डलने का रीज़न भी बताएं तो आप भी देखो वो भी आपके तरह आपके फ्रेंड्स ही हैं पढ़ रहे हैं अच्छी बात है मेरी तो कोशिश यही है बस कॉस्ट में मैं सच्चाई बताऊँ तो मैं भी बहुत परेशान था इसलिए नहीं तो मैं कल ही क्लास रखता अगर आप लोगों का कॉर्पोरेट का पेपर अच्छा जाता ना मैं कॉस्ट बोल गया कॉर्पोरेट का तो कल ही मैं क्लास रखता और कल ही मैं पूरा रिविजनरी सब प्लान कर रखा था लेकिन वही है कि प्लान से बियॉन्ड गया और सिलेबस भी पूरा नहीं था इस बात का मेरे को अब क्या बताएं चलिए जो हो गया सो हो गया माइनस टू मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन था कि इस बार थोड़ा बच्चों का अच्छा एग्जाम जाएगा हाँ कॉस्ट का डेफ़िनेटली अच्छा जाएगा क्योंकि इसका सिलेबस तो डन हो ही चुका है और रहता भी कुछ नहीं है सिक्सटी फाइव लैख तो ये आ गया सिक्स ट्वेंटी फ़ोर तो सिक्स ट्वेंटी फ़ोर क्या हमारा? आया हमारा प्रॉफिट आया सर क्या ये रिवीजन वीडियो है बिल्कुल रिवीजन वीडियो भी मान लो मैं हर पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ मतलब रिविज़न ही एक तरीके से नंबर प्रॉफिट कई बार आपको बोल दिया जाता है कि प्रॉफिट के ऊपर क्या बोला जाता है कि हम सेल्स पे कमाएंगे ट्वेंटी परसेंट मुझे जवाब दीजिएगा मेरा इसी क्वेश्चन के मैंने बता दिया आपको सेल्स तो पता ही होता है टेन ले लेते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं टेन ले लेते हैं आ या ट्वेंटी ठीक है डिजिट ठीक है अगर मैं कहता मैं सेल्स पे कमाऊंगा ट्वेंटी परसेंट तो बताइए क्या होता तो सिंपल ये क्या होता हमारा सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट क्या निकल जाता प्रॉफिट और ऊपर प्रॉफिट रख देते हैं। और एक बात ये याद रखना कई बार ना आपको क्या देगा क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या देगा कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्या देगा आपको फैक्ट्री कॉस्ट बोलेगा कॉस्ट शीट बनाइए तो आपको जब कभी भी देना ऐसा क्वेश्चन तो हेडिंग हेडिंग लिखिए और जो जो जहां प्लॉट करने को बोला गया प्लॉट कर रही है और ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके आप ऊपर पहुंच जाएंगे और एक चीज़ याद रखना जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे जैसे मान लो ये फिफ्टी सिक्स लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीस है अगर मुझे यहां ऊपर जाना है तो ये माइनस हो रहा है तो हमें रिवर्स हो जाता है सिंबल इसे क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे अब यही कहता अगर कि ट्वेंटी ऑन कॉस्ट अब बताइए किसके ऊपर निकालेंगे 20% परसेंट ऑन कॉस्ट बोला गया है तो आप प्रॉफिट किसके ऊपर निकालेंगे मुझे अमाउंट बता दें कि किस अमाउंट पे निकालेंगे बस मैं समझ जाऊंगा बताइए बताइए जितने बच्चे हैं जल्दी जल्दी बताइए कि मैंने बोला 20% परसेंट ऑन कॉस्ट तो किस पे प्रॉफिट निकलेगा बताइए फटाफट क्वेश्चन यही है क्वेश्चन यही है तो जवाब आ गया सर फाइव एट सेवन सिक्स थाउजेंड बिल्कुल सही फाइव एट सेवन सिक्स थाउजेंड पर निकलेगा क्योंकि ये एक तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी और इसी को कॉस्ट भी बोलते हैं लेकिन आपको चैलेंजिंग पता कब आ जाता है आपको सेल्स नहीं पता और आपको सेल्स नहीं देता एग्जामिनर आप ध्यान दीजिएगा आपको एग्जामिनर ने सेल्स नहीं दे रखा आपको कॉस्ट पता है लेटेस्ट के 58 एट ये कॉस्ट है और उसने बोला प्रॉफिट मार्जिन है ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स जब ये सिचुएशन आ जाए आपके सामने तो आप देखिए आपको पता क्या है कॉस्ट और प्रॉफिट किस पे दे रहा है सेल्स पे तो दोनों बातें मिल नहीं रही तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे लेट एक्स करके सॉल्व कर सकते हैं हम क्या करेंगे सेल्स इजिकल टू हमेशा याद रखना कॉस्ट प्लस में क्या होता है प्रॉफिट मान लो या जीपी मान लो तो सेल्स आपको नहीं पता है तो एक्स मान लोगे कॉस्ट आपको पता है फिफ्टी एट सेवेंटी सिक्स थाउजेंड मान लोगे प्रॉफिट पता है आपको कि सेल्स के ऊपर है और सेल्स लेट एक्स किया है तो एक्स बाई आपका फाइव आ जाएगा और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे जिससे आप इजीली सेल्स से निकाल पाओगे और सेल्स और कॉस्ट का डिफरेंस प्रॉफिट होगा तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मे बी शायद आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए बाकी तो बच्चों ने कर रखा होगा ये तो चलिए हमने कॉस्ट शीट भी तैयार कर लिया है और हमने क्या तैयार कर लिया पी एल पी एल में से बस प्रॉफिट निकालेंगे फटाफट रिकन्सलेशन कर देंगे तो पैंसठ लाख प्लस में दो लाख बीस हजार प्लस में आपका इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट में क्योंकि अब मैं इससे रिलेटेड कोई भी कॉस्टशीट में सिक्सटी एट सिक्सटी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस पंद्रह लाख माइनस दस लाख माइनस पांच लाख पचास हज़ार माइनस थ्री लैख माइनस थ्री लैख थर्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड या गया 630, आ गया सिक्स थर्टी टू नेट प्रॉफिट आ गया सिक्स थर्टी रिकन्सलेशन कर लेते हैं सर अब देखो मैंने सॉल्यूशन ना करा था बैलेंस किसको माना था बैलेंस कॉस्ट के प्रॉफिट को माना था नहीं फाइनेंस के प्रॉफिट को माना था बताओ कैसे मैंने सॉल्यूशन भेजा था बताओ सॉल्यूशन कैसे भेजा था मैंने बैलेंस किसका मान के भेजा था कॉस्ट का प्रॉफिट माना था या फाइनेंस का तो फाइनेंस का माना था मुझे याद आ गया कि हमने बैलेंस जो माना था वो माना था फाइनेंस का प्रॉफिट तो आप किसी का भी प्रॉफिट मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ना आप प्रॉफिट जो है ना कोशिश करिएगा कि कॉस्ट का मानिए ताकि आसानी से कंपेयर्स हो जाए तो मैं यहां पर ले रहा हूं प्रॉफिट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अगर ऐसा सिचुएशन आए तो कॉस्ट पे मैंने फाइनेंस का लेके कर दिया था ऑल दो लेकिन मानना कॉस्ट का है पता है पी एंड एल के अंदर बोलूंगा ना सैलरी दे दिया तो आप फट से बता दोगे प्रॉफिट घट गया पी एंड एल के अंदर जो भी बोलूंगा तो करने का तरीका क्या है अगर हमने प्रॉफिट लिया है कॉस्ट का तो सोचना किसके बारे में फाइनेंस के बारे में तो चलिए कॉस्ट का प्रॉफिट उठाते हैं सिक्स ट्वेंटी फोर सर अगर लॉस होता तो क्या करते तो माइनस में लिखते हैं अब सोचना किसके बारे में है सर सोचना अब हमें फाइनेंस के बारे में चलिए जो चीज़ें कटेगा वो कटता जाएगा मटेरियल जो सेम है कट गया ये वेजेस पंद्रह लाख और यहाँ भी पंद्रह लाख ये भी कट गया इसकी कोई एंट्री नहीं है ओवरहेड हैड दस लाख और यहाँ पे ओवरहेड हैड कहाँ है पंद्रह लाख ये बदल गया तो यहाँ पे देखो पंद्रह लाख है और को, फा, आप फाइनेंस में कितने का दस का है तो फाइनेंस में खर्चा कम दिखाने की वजह से कितने का खर्चा कम दिखाया पाँच का तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा तो सर फाइनेंस का खर्चा कम दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही ना बिल्कुल सही जवाब तो फैक्ट्री ओवरहेड अब देखो इसके अंदर हमेशा एक्चुअल होता है और इसके अंदर हमेशा सॉरी इसके अंदर एक्चुअल होता है इसके अंदर होता है आगे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा मैं तो मान लेते हैं कि इसके इसके अंदर अंदर क्या खर्चा हुआ, इसके अंदर खर्चा हुआ कितना हुआ हमारा दस और इसके अंदर खर्चा कितना हुआ हमारा पंद्रह तो जहां ज्यादा हो जाता है बोलते हैं ओवर ऑब्जॉर्ब क्या बोलेंगे ओवर ऑब्जॉर्ब भी बोला जाता है या ओवर रिकवर्ड भी बोला जाता है दो वर्ड ठीक है तो अब हम सोचते हैं सर कॉस्ट शीट का हमने ले लिया सोचना फाइनेंस का है फाइनेंस में पाँच लाख रुपए का खर्चा कम है इसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब सिंपल है फाइनेंस में अगर पाँच लाख रुपए का खर्चा कम है तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ के आएगा तो हम भी प्लस कर देंगे कितने रुपए का पाँच लाख का बिल्कुल ठीक चलिए ये भी कट गया डन हो गया इस पर टिक मार्क लगा देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड वाले पे ठीक है आगे आते हैं ऑफिस एक्सपेंस कितने का है यानी ऑफिस का मतलब क्या एडमिन एक्सपेंस है कितने का साढ़े पाँच लाख और यहां पे एडमिन एक्सपेंस कितने का है पाँच छत्तीस फर्क आ गया ना तो इसके अंदर एडमिन एक्सपेंस ज़्यादा दिखा रखा है तो एडमिन एक्सपेंस से क्या होगा सर एडमिन एक्सपेंस अगर आपने ज़्यादा दिखा दिया फाइनेंस में तो प्रॉफिट कम हो जाएगा कितने से यहाँ 36 है और वहां पे 50 है तो फोर्टीन थाउजेंड रुपीज़ से इम्पैक्ट आएगा ठीक है सर इसको भी टिक कर देते हैं इसको भी टिक कर दिया अब आ जाते हैं अगले पे सेलिंग तीन लाख रुपए और यहाँ पे सेलिंग कितने का है जी सेलिंग यहाँ पे ढाई लाख रुपए सेलिंग खर्चा भी ज़्यादा है फाइनेंस में सेलिंग एक्सपेंस भी ज़्यादा है फाइनेंस में तो और सेलिंग एक्सपेंस अगर फाइनेंस में ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम आएगा कितने से ज़्यादा है जी पचास हज़ार से तो प्रॉफिट कम आएगा तो हमने माइनस में लिख दिया चलिए और आगे चलते हैं ये भी हो गया सेलिंग एक्सपेंस गुडविल सर गुडविल तो सिर्फ फाइनेंस में आता है कॉस्ट में तो आता ही नहीं है तो गुडविल अगर फाइनेंस में गिवन है तो इस सिचुएशन में देखा जाए गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है फाइनेंस में खर्चा दे गिवन है खर्चा बढ़ गया प्रॉफिट कम हो जाएगा तो माइनस में कर देंगे कितने रुपए का सर तीन लाख तीस हजार इतना सारा बहुत ज्यादा हो गया तो चलिए आगे चलते हैं इसके बाद इनकम टैक्स इनकम टैक्स भी सिर्फ फाइनेंस में आता है तो इसको भी इधर लिख देंगे इनकम टैक्स फाइनेंस में आता है कितने का है सर सर पचास हजार रुपए का इनकम टैक्स है जो कि सिर्फ किस में आया है हमारा फाइनेंस में आया है और इससे प्रॉफिट फाइनेंस का कम हो रहा होगा सोचना फाइनेंस के प्रॉफिट के बारे में ही चलिए सेल्स में बदलाव नहीं होता क्लोजिंग स्टॉक इनकम मानोगे फाइनेंस का इनकम दो बीस और इसका इनकम दो पचास तो फाइनेंस में अगेन इनकम कम है तो प्रॉफिट कम होगा प्रॉफिट कम होगा क्लोजिंग स्टॉक क्या लिख दिया ये क्लोजिंग स्टॉक कितने से कम होगा तो तीस हज़ार रुपये से कम होगा तो हम भी माइनस में कर देंगे तीस हज़ार सर और क्या है क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी वगैरह तो है नहीं तो बस यही है इसको टोटल करते हैं फटाफट और आंसर मैच कर देते हैं बिल्कुल मैच होगा तो सिक्स ट्वेंटी फोर और प्लस फिफ्टी फाइव लैख ओ हो फाइव लैख है तो ग्यारह लाख चौबीस हज़ार ग्यारह लाख चौबीस हज़ार माइनस करिए चौदह हज़ार माइनस पचास हज़ार माइनस तीन लाख तीस हज़ार माइनस पचास हज़ार ये पचास हज़ार है पचास हज़ार और माइनस तीस हज़ार तो लो जी लो ये क्या आ गया हमारा ये आ गया प्रॉफिट अगर कॉस्ट का लिया है तो एज़ पर फाइनेंस, कितने आए सर सिक्स फिफ्टी आया और ये मैच भी होना चाहिए यहाँ भी देखो क्या आ रहा है हमारा ओ सिक्स है सिक्स है शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया एक बार दोबारा कर लेते हैं सिक्स ट्वेंटी फोर और पाँच लाख ग्यारह चौबीस माइनस चौदह हज़ार माइनस पचास हज़ार माइनस तीन लाख तीस हज़ार माइनस पचास हज़ार इनकम टैक्स पचास हज़ार हाँ ठीक है और माइनस तीस हज़ार सिक्स फिफ्टी तो सर सिक्स फिफ्टी बीस हज़ार रुपये का क्या हमने छोड़ दिया बीस हज़ार रुपये का क्या गड़बड़ कर दिया देखो 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 बीस और पचास तीस तो ले लिया हमने बीस हज़ार बीस हज़ार बीस हज़ार तीन लाख सेलिंग और सेलिंग ये ये भी पचास ले लिया हमने और कुछ तो नहीं रह गया बीस हज़ार का चेक करिए भाई बीस हज़ार रुपये का एरर आ गया है एरर कहाँ है कहाँ है एरर निकालने में टाइम लगेगा एरर कहाँ है किसी को अगर दिख रहा है स्टूडेंट जो लाइव क्लास में है वो बता सकते हैं एरर बताइए किसी को दिख रहा है सर क्लोजिंग स्टॉक पचास हज़ार का है क्लोजिंग स्टॉक पचास हज़ार का है ओहो देखो क्लोजिंग स्टॉक पचास का मैंने तीस का लिया मिल गया ना बिल्कुल सही क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस पचास का तो ये भी आ गया हमारा सिक्स थर्टी लीजिए हो गया किसी को कॉस्ट शीट में रिकन्सलेशन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे अभी ठीक है एक तरीके से पूरा टॉपिक आपका एक तरीके से रिवीजन कह लो और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो गया ठीक है ना तो चलिए फटाफट पूछिए सर इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो करने वाले एग्ज़ाम के मैं ये बिल्कुल नहीं मान के चल रहा कि आपका एग्ज़ाम रेगुलर जैसा होता है मैं मान के चल रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से लेके चल रहा हूँ एक तो इसके अंदर क्या करना है आपने सिंपल वाले क्वेश्चन करने सिंपल वाले कौन से क्वेश्चन है सर इसके अंदर बताइए जरा सिंपल वाले जिसके अंदर आपको पॉइंट में दे देता है ओवरहेड रिकवर डेप्रिसिएशन या दो साल का डेटा दे देता है डिफरेंस करके एक तो वो वाला सिंपल जो कि हमने पहले दो क्लासेस में करी हैं और कौन सा करना है सर एक जो अभी मैंने करा है जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहता है एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछता है एक दो क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लोगे रिकव आपका हो जाएगा इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने करवाया था जहाँ पे फिक्स कॉस्ट है काफ़ी मैंने मेहनत की थी उसके ऊपर तो सेकंड लास्ट या लास्ट क्लास में करवा रखा है वो एप्लीकेशन पे डला हुआ है तो वो एक बार तैयार करना हो जाएगा ये चैप्टर कर लोगे आपके देखो दस नंबर का क्वेश्चन आया है पाँच नंबर का थ्योरी आया हुआ है पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कुछ भी प्रोबेबिलिटी होता है तो ये पक्का हो जाएगा अगर किसी का डाउट है तो बताइए फिर हम अगले चैप्टर पर चलेंगे और अगले चैप्टर का रिविजन के साथ आपका डाउट भी लेंगे जो आप बोलोगे वही स्टार्ट करेंगे